मुस्तफ़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगली दफ़ा जाएँ तो हमारे लिए लाजमी दुआ करें। मामा अपने ना ज़बरदस्त अपने हाथों से इलायची इलायची डाल रहे हैं, बेहतरीन चाय वाय बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम आदमी व्लॉग्स। और भाई आज का दिन है बड़ा ख़ास, क्योंकि मुझे सैफ का फ़ोन आया और सैफ ने मुझे कहा है कि भाई आज हम लोगों ने जाना है एक बड़ी अहम और मशहूर शख्सियत से मिलने के लिए। उन्होंने एक शॉप खोली, हमने उस शॉप पे जाना है, हमने एक व्लॉग बनाना है। सैफ को पिक करके नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। तो आप इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिए। भाई जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो इसको सब्सक्राइब कर दो भाई, आपके पैसे नहीं लगेंगे। नमाज का टाइम है, मस्जिद का व्यू देखो भाई, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है भाई, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। और इस टाइम जो टाइम हो रहा है, घड़ी लगी हुई है? घड़ी लगी हुई नहीं है। हाँ देखो भाई, हम बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, टेक्निकल बोर्ड के सामने। यहाँ से हम लोग मस्जिद से निकलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ से आगे वो मेट्रो वाला जो है ना यू टर्न आता है, ठीक है, हम ऊपर पुल पर चढ़ के ब्रिज पर चढ़ कर लेंगे, इंटरचेंज से नीचे आएंगे यहाँ से, ठीक है भाई। चलो रेडी है भाई, चलो भाई हम रेडी हैं भाई, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम आइसक्रीम खाने, मैं और हमाद। तो हमाद किसकी आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हैं? ये है भाई मुस्तफ़ा हनीफ, मुस्तफ़ा हनीफ भाई, मुस्तफ़ा हनीफ की वर्कशॉप पे जा रहे हैं, और वर्कशॉप है आइसक्रीम की, तो वर्क ही कर रहा है, वर्कशॉप ही हो गई, तो अब चलते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग भाई जैसे ही निकलते हैं ना, सैफ को तकलीफ़ शुरू हो जाती है, क्योंकि सैफ को तलब हो जाती है चाय की। और सैफ जो है ना कहते हैं यार बस कुछ भी करो, मुझे यहाँ पर चाय का ढाबा ढूँढो, वरना ये जो है ना, और मुझे भी ये ढूंढना था, क्योंकि ये फिर रूट पटांग हरकतें करना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, अभी हम लोग पहले जो है ना ढाबा ढूंढते हैं, कहीं होटल ढूंढते हैं पठान का, किसी कोई टवाल के होटल पे हम लोग बैठ के पहले चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो सेफ भी हुआ खुश, तो अभी हम लोग यही ढूँढते ढूँढते हम लोग पहुँचे कोई टवाल के होटल पर, तो अभी वहीं पर ही बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मामा अपने ना ज़बरदस्त अपने हाथों से इलायची इलायची डाल रहे हैं, बेहतरीन चाय वाय बना रहे हैं। मामा अच्छे ज़बरदस्त है, VIP देगा ना, बहुत ज़बरदस्त है। क्या आएगा मुझे, कितने? दो रोल दो समोसे लेके आए। चाय आ गई है, और ये सैफ रहमान जो है अपने कुछ शॉर्ट्स बनाए हुए हैं वो देख रहा है। सैफ रहमान साहब चाय कैसी है? चाय बहुत आला है यार, चाय चाय। ये देखो बेचारा गरीबों की तरह जो है ना घूम रहा था, मैंने उसको बुला के उसको चाय पिलाई है मुझे सवाब का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई सवाब का, सवाब का वो जो है ना, आप मजबूरन खा लो उसको। तो मुझे लगता है मुझे भी जो है ना अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से सैफ लगा हुआ है ना, सैफ ने इसको दो दो नालों में ख़त्म कर दिया यार, इसके लिए कटोरी लानी थी। चलो 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 चलो, देर हो रही है। Let's go. Let's go. Oh हम भाई मुस्तफ़ा भाई के शॉप के बहुत करीब हैं, और हमाद भाई 5 मिनट का रास्ता होगा, 10 मिनट लगेगा। हिसाब से तो पहुंच गए भाई हमाद भाई, फिर देख रहे हैं कौन सी गली, गली गली है, टायरों की गली तो आ गई है, टायर बार की ये आगे वाली गली है भाई। बैठो बैठो। तो रास्ता कंफर्म करने के बाद एक बार फिर हम लोग उसी रास्ते से लेफ्ट किया, और हम लोग यहाँ से सीधा सीधा आ रहे हैं ओपन की। तो भाई हम लोग पहुँच आए यहाँ पर, अभी हम लोग यू टर्न लेंगे और सामने जाए। भाई मुस्तफ़ा भाई की शॉप पे पहुँच गए हम लोग, और डाला भी आया हुआ भाई, मुस्तफ़ा भाई तो नहीं आए हुए? ऐसा तो नहीं कि मुस्तफ़ा भाई आए हो, मुझे भी ये चेक हो रहा है। अब जो है हम लोग भाई मुस्तफ़ा भाई की शॉप पर आ गए हैं, शॉप आपके सामने है VIP के नाम से, और सीन चेक करो सूरज मियाँ के, बाइक ऊपर चढ़ा दी है हमाद ने, और मुस्तफ़ा भाई का डाला तो खड़ा हुआ है, पता नहीं मुस्तफ़ा भाई आए मैं नहीं आए मैं। अच्छी यार उस लोगों को जो है खबर मिली है कि भाई मुस्तफ़ा भाई भी अंदर ही हैं। अरे ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम, सैफ रहमान आ जाओ भाई, आपने शुरू कर दिया, मैंने तो पहले कैसे भाई अंदर ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम,
सर वैसे आपसे मिलने की आज उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्योंकि कल ही भी लोग देख रहे थे आपने ताज़ा ताज़ा डाला वो उम्रे का। और हम तो ये समझे थे कि उम्रे पे हैं, अभी यही किया था। माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत बहुत मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने कमेंट भी शायद आपको बहुत सारे किए होंगे वीडियोस में, तो मुझे ऐसी बात आप तो आजकल बड़े से बने तो रिप्लाई करने का मौका नहीं मिलता होगा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो अच्छा सर आप ज़रा अपना बताएं तो सही क्या क्या है, क्योंकि हमने भी ट्राई करना है। मुस्तफा भाई खुद बताएंगे, हमारे सेफ भाई बड़े खुश हुए हैं। फालसा आप कर लो भाई, सफा भाई आपसे रिक्वेस्ट है अगली दफ़ा जाएं तो हमारे लिए लाजमी दुआ करें। मैं वैसे जब भी जाता हूं तो जी जी तमाम मुसलमानों के नाम लेके करके। नहीं नहीं इंशाल्लाह, बस आपसे यही है। ये हमें मिला है, मुझे मिला है फालसा, फालसा है ना, आपको क्या मिला है भाई? ग्रीन एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, ये मिला है फालसा है भाई। ये जो है ना मुस्तफ़ा भाई का अपना रिकमेंड किया हुआ है, तो हम लोग लाजमी बहुत शौक से इसको खाएंगे। तो भाई हमारे पास ग्रीन एप्पल आ गया और ग्रीन एप्पल मुसावे के रहते हैं, अब देखते इसका टेस्ट कैसा है। और वो तो चलेगा नमाज के लिए टेस्ट का जो आया है, कैसा है भाई? वाह बिल्कुल नेचुरल टाइप का जाएगा, टेस्ट आया है ज़बरदस्त। हमार भाई ये फालसा निकलवाइए भाई, और यही रिकमेंड नहीं करवाई, इनके लिए यही सही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया, कैसा फ्लेवर? अच्छा है। और आपको वीडियो में देखा था शटपट कैसी लगी? मुस्तफा भाई पिला दी। ठीक है भाई, तो ये था सीन, हम लोग आए थे मज़े, और सबसे जो एक मज़े की चीज़ लगी ना यार, वो सबसे मज़े की चीज़ हमें ये लगी है भाई, स्टाफ जो है ना इनका वो बड़ा कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करने वाला स्टाफ है। और एक चीज़ यार मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई ना, इनकी चीज़ भी बड़ी अच्छी थी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो था मुस्तफ़ा हनीफ भाई यहाँ पर होंगे, जो कि थे। किस्मत थी हमारी कि हमें मिल गया, वरना जो है हमने जो लास्ट इनका व्लॉग देखा था उसमें यही था कि भाई वो यहाँ पर नहीं है, वो जो है उम्रे पर गए थे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ पर होगा, लेकिन किस्मत हमारी है कि वो यहीं पर ही हमें मिल गया, लेकिन किस्मत में था यार मिल गया। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने भाई को इजाज़त दें अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।